22 तारीख को मंदिर का उद्घाटन है, उस दिन आप अल्लाह से क्या दुआ करें? यही दुआ करेंगे, अगर मस्जिद है तो मस्जिद होना चाहिए, अगर कुदरत मंदिर बना लिया, जबरदस्ती बनाया है, कोई खुशी से थोड़ी बनाया, न्याय से थोड़ी बनाया, न्याय तो मस्जिद थी, मस्जिद टूटी मंदिर बन गई, और मंदिर टूटेगी मस्जिद बन जाएगी, बस ये खेला होता रहेगा। उस समय का इंतजार है आपको? बिल्कुल इंतजार है। अयोध्या का विकास नहीं हो रहा है? नहीं, कुछ नहीं हो रहा, क्या हो रहा बताओ, क्या हो रहा है? लाखों लोग काम कर रहे हैं। कुछ नहीं, वो सब बेकार है। अयोध्या में एयरपोर्ट बनना गलत है? वो एयरपोर्ट तो सही है अपनी जगह। अयोध्या में जो रेलवे जंक्शन बना है वो सही है, वो अपनी जगह सही। रेलवे के साथ में जो चौरीकरण जो हो रहा है, 4 लेन जो बनाए गए हैं, सही है, वो सही। की भी पीड़ा आपको है कि इसका नाम फैजाबाद हटा करके अयोध्या रखा गया? जी, अयोध्या नाम से कोई तकलीफ? हाँ बिल्कुल तकलीफ है, क्यों, हमारा जो पूर्व नाम है वही होना चाहिए। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि समय आएगा हमारा तो हम अपनी मस्जिद बना लेंगे। आप ये मानते? हाँ मानते हैं। अच्छा, हिंदू मुस्लिम भाईचारे की मिसाल आप कैसे पेश करें? वो खत्म हो गई सर, हम न्याय चाहते हैं, मेरी गर्दन उड़ जाए कोई फर्क नहीं है, लेकिन न्याय होना चाहिए। भाजपा कह रही है अयोध्या झांकी है, मथुरा काशी बाकी है, तो करे अपना, ये विनाश होगा भारत का, नोट करिएगा दिमाग में, विनाश होगा। मथुरा काशी बाकी है, मथुरा मस्जिद को छू के देख लें। बाबर को मानने वाले हैं? जी मानते हैं बाबर, क्यों नहीं मानेंगे। बाबर कौन है आपके? बाबर हमारे देश के राजा थे, बादशाह थे। कहना चाहेंगे अयोध्या का विकास दिखाई दे रहा है? विकास तो दिखाई दे रहा है, लेकिन पहले तो कहते हैं बाबरी मस्जिद है, फिर राम जन्मभूमि है, इसका क्या मतलब है। एक तरफ कहते हैं कि बाबरी मस्जिद थी, एक मरतबा कह रहे हैं कि आप राम जन्मभूमि है, इसका क्या मतलब है? हम यही जानना चाहते हैं, तो विवाद खत्म हो गया, आप उससे खुश हैं? वो तो आपकी सरकार है, आप विवाद खत्म नहीं हुआ, खत्म कर लिए हैं, विवाद खत्म नहीं हुआ, आप खत्म कर लिए हैं, सरकार आपकी है ना, चाहे किसी को जेल में डालिए, चाहे किसी को रिहा करिए, वो तो आपकी सरकार है ना। फैसला तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश, कोर्ट आपके दबाव के अंदर, डीएम जो आप आदेश करेंगे डीएम करेगा, डीएम क्या करेगा आप बताओ, मेरा लड़का ये जो फैसला हुआ है, जो सरकार कहेगी वो ये करेगा, नहीं करेगा, करेगा, डीएम क्या करेगा, जो आदेश करेंगे जो कि मोदी वही करेगा। तो कि न्याय हित में फैसला नहीं, न्याय हित में नहीं हुआ है, क्या गलत हुआ? एक मरतबा कह रहे हो बाबरी मस्जिद है, एक मरतबा कह रहे हो कि राम जन्मभूमि है, इसका क्या मतलब है? देखिए, अब तो जमीन मिल गई, क्योंकि जमीन मिलने से मतलब नहीं है, मेरा वतन अगर छूट जाए और दूसरे मुल्क में हम जाए, मेरा वतन जो छूट गया ना, हाँ ये बात का दुख है, हमें दुख है। तो फिर क्या चाहते हैं? हम न्याय चाहते हैं। अगर बाबरी मस्जिद कह रहे हो तो बाबरी मस्जिद रहने दो, राम जन्मभूमि उसको मत बनाओ, हाँ बाबरी मस्जिद रहने दो, या तो न कहे होते। तो मंदिर निर्माण ठीक जगह नहीं, क्या अभी क्या इलेक्शन हो रहा है, न्याय हो रहा है, आप जानते हैं कि न्याय हो रहा है, नहीं हो रहा है, बैलेट पेपर से हो रहा था, क्यों बैलेट पेपर खत्म किए, हमारी राय तो नहीं थी, भारतवासी मैं भी हूँ, जोगी भी है, मोदी भी है, मेरी राय तो नहीं है, बैलेट पेपर होना चाहिए, न्याय होना चाहिए। तो आप क्या चाहते हैं कि राम मंदिर का निर्माण नहीं होना चाहिए? नहीं करो, तुम्हारी सरकार है, तुम्हारी राम मंदिर के निर्माण से आप खुश नहीं है? एकदम नाराज हैं, एकदम नाराज हैं। किस बात की नाराजगी? नाराजगी है कि बाबरी मस्जिद आपने क्यों कहा, बाबरी मस्जिद क्यों कहा? फिर आपका भरोसा किस पर रहेगा, क्योंकि सरकार की एक अलग चीज है, लेकिन जो कोर्ट है, पैसे का नहीं सरकार का, किस पर भरोसा है फिर आपका? भरोसा न्याय पे, तो न्याय तो किया ना सुप्रीम कोर्ट, नहीं ना क्या सुप्रीम कोर्ट माने, कुछ नहीं सुप्रीम कोर्ट माने, मैं वोट मारता हूँ साइकिल को, जाता है भाजपा पे, तो कहाँ न्याय हुआ? तो फिर न्याय की उम्मीद किससे करेंगे आप? ऊपर वाले से, उनसे क्या दुआ करेंगे फिर आप? क्या मैं दुआ कर रहा हूँ आपको, मैं अपनी दुआ क्यों बताऊँ आपको, उनसे क्या मांगेंगे फिर आप? मैं दुआ न्याय चाहता हूँ, जो कुदरत न्याय चाहती है न्याय करेगी। सही न्याय क्या होगा वो तो आप खुद जानते हैं, हम क्यों बताएं? क्या आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट क्या भगवान है क्या? जो जोगी का आदेश होगा, जो प्रधानमंत्री का आदेश होगा, वही करेगा कि मेरी वाली करेगा, न्याय करेगा, वो न्याय की कुर्सी बैठा है, न्याय की कुर्सी बैठा है वो। 22 तारीख को मंदिर का उद्घाटन है, उस दिन आप अल्लाह से क्या दुआ करें? यही दुआ करेंगे, अगर मस्जिद है तो मस्जिद होना चाहिए, अगर कुदरत मंदिर बना लिया, जबरदस्ती बनाया है, कोई खुशी से थोड़ी बनाया, न्याय से थोड़ी बनाया, न्याय तो मस्जिद थी। जबरदस्ती कर कौन रहा? सरकार कर रही। तो कह रही हम सबका साथ सबका विकास, वो झूठा है। सबका विकास कहाँ हो गया आप बताओ? जो पढ़ लिख के ना बच्चे बेकार हो रहे हैं, कहाँ विकास है? अभी एक मोदी सरकार ने नारा दिया है, ना दूरी है ना खाई है,
मोदी हमारा भाई है, सिर्फ मंदिर पर वोट का वो विकास अपना चाहते हैं। हाँ, मंदिर बना के वो अपना विकास चाहते हैं। अयोध्या का विकास नहीं हो रहा है? नहीं, कुछ नहीं हो रहा। क्या हो रहा है बताओ, क्या हो रहा है? लाखों लोग काम कर कुछ रहे हैं। नहीं, कुछ नहीं, वो सब बेकार है। अयोध्या में एयरपोर्ट बनना गलत है? वो एयरपोर्ट तो सही है अपनी जगह। अयोध्या में जो रेलवे जंक्शन बना है वो सही है, वो अपनी जगह सही। रेलवे के साथ में जो चौरीकरण जो हो रहा है, 4 लेन जो बनाए गए हैं, सही है, वो सही, वो सही। जो सौंदर्यीकरण हुआ है अयोध्या जिले का, वो देखिए, अयोध्या को कुछ भी बनाओ लेकिन क्यों नाम रखे? पहले बाबरी मस्जिद का नाम था, पहले नाम तो फैजाबाद भी था जिले का, फिर अयोध्या क्यों खराब किया? ये भी गलत हुआ, ये साने अवध है, ये गलत है? इसका नाम है साने अवध। हाँ, आप जानिएगा, आज जान लीजिएगा, न जान तो जान लीजिए। बात की भी पीड़ा आपको है कि इसका नाम फैजाबाद हटा करके जी अयोध्या नाम से कोई तकलीफ? हाँ बिल्कुल तकलीफ है, क्यों? हमारा जो पूर्व नाम है वही होना चाहिए। हाँ, हमारा तरमीम नहीं होता। इससे पहले नाम अयोध्या ही था। कौन हो आप? इतिहास ये कहता है कि इससे पहले अयोध्या था, किसी समय में उसको फैजाबाद रखा गया। इसका इतिहास में साने अवध है। हाँ, जान लीजिएगा। क्या अपील करना चाहेंगे आप मोदी जी से? कुछ कहेंगे क्या हम मोदी जी से? क्या कहेंगे हम कुदरत से कहेंगे? मोदी जी मेरा क्या है? मोदी जी क्या है? योगी जी क्या है? कुछ नहीं है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि समय आएगा हमारा तो हम अपनी मस्जिद बना लेंगे। आप भी मानते? हाँ, मानते हैं। कि 12 इमाम का जरूर है, हमारे यहाँ 12 इमाम है जो पर्दे गए में, पर्दे समझे रहे हैं, मेरी आंखों से नहीं दिखाई दे रहा है। उनका हुकूमत होगी पूरी दुनिया पे और न्याय होगा। न्याय थोड़ी ना है, सुप्रीम कोर्ट माने क्या समझते आप? सुप्रीम कोर्ट माने भगवान। उसके लिए आप क्या करेंगे? है अपना फिर से वही दौर लाने के लिए क्या करेंगे? वो तो लिए दुआ करेंगे, उसके लिए दुआ करेंगे। और क्या करेंगे? और क्या करेंगे? हम आपसे लड़ नहीं सकते, हम आपसे लड़ नहीं सकते, हम दुआ कर सकते हैं। हम दुआ के लिए पैदा हैं, इबादत के लिए पैदा है। लेकिन हिंदू समाज के, चाहे आरएसएस के लोग हों या विश्व हिंदू परिषद के लोग हों, वो एक बात कहते हैं हिंदू, क्योंकि ये जो देश है बहुसंख्यक समाज, इसमें हिंदू समाज है और 110 करोड़ से ज्यादा हिंदू समाज है, तो वो ये कहता है, क्या फर्क पड़ता है? ठीक है, वो ये कहता है कि हमारे 3 स्थान है प्रमुख, अयोध्या, मथुरा और काशी। 3 स्थान हमारे हैं जहाँ पर भगवान का जन्म हुआ, वहाँ मथुरा में कृष्ण का हुआ, यहाँ आप राम का हुआ, वहाँ शिव का। इन 3 स्थानों पर विवाद खत्म होकर के मुसलमानों को स्वयं ये 3 स्थान दे देने चाहिए, तो आप इससे सहमत हैं? नहीं। क्यों? 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 काहे दे दें? काहे दे दें? आप भाईचारा बनाए रखना नहीं चाहते? भाईचारा का जब बंद रहती देश में, ताला बनता ताला बंद ही रहता, वो धर्म स्थल कोई बनता तो हम संतुष्ट थे। अब हमारी मस्जिद गिरा के आप मंदिर बना रहे हैं, हम कहाँ से? ये मस्जिद है, ये कह रहे अयोध्या में मंदिर है, इसको गिरा दें, मस्जिद और मंदिर बनवा दें, हम खुद रहेंगे आपसे? हम खुद नहीं रहेंगे कभी। हाँ, खुद नहीं रहेंगे आपसे। 3 स्थान आप, अच्छा, आप नहीं मानते कि यहाँ पर जो हिंदू समाज भी रहता है, आप नहीं जानते कि उस बहुसंख्यक समाज की भावनाओं का सम्मान रखा जाए, वो 3 स्थान आपसे मांग रहे हैं? मंदिर गिरा दे, मस्जिद गिरा दे, मस्जिद गिरा के आपको मंदिर बनवा दे। भगवान राम का जन्म, भगवान राम का जन्म कहाँ हुआ था? तो और जगह तो है ना, और जगह नहीं है? देखिए, उसी जगह हुआ, ये तो इतिहास कहता है ना? नहीं, क्या इतिहास कह रहा है? क्या कह रहा है इतिहास? जो ASI की जो रिपोर्ट थी, इलेक्शन सही नहीं हो पा रहा हिंदुस्तान में, तो न्याय कहाँ से होगा? आप बताइएगा। के मोहम्मद, जिन्होंने ये सर्वेक्षण किया था, AI का जो सर्वेक्षण किया था, एक मिनट, अभी विदेश में जंग हो रही है, आप मालूम होगा, लेकिन हमारे कहने का मतलब ये है वहाँ मस्जिदों में रख दे, न्याय एक दूसरी चीज है और सरकार का दबाव एक दूसरी चीज है। अच्छा, हिंदू मुस्लिम भाईचारे की मिसाल आप कैसे पेश करें? वो खत्म हो गई, जब से योगी मोदी आए खत्म हो गई। अंग्रेज क्यों भागा? जब एक थाली में हिंदू मुसलमान एक थाली में खाने लगे थे तो ये महसूस किया वो यहाँ से भागो, क्यों? एकता बहुत है यहाँ की। आज हिंदू मुसलमान 2 थाली में खा रहे हैं। कैसे? यही जो अब मस्जिद गिरा देंगे तो मंदिर बनवा लेंगे, तो काहे के जा सकते हैं? मस्जिद के लिए एक बड़ी 5 एकड़ की जमीन दी गई, वो देने की बात नहीं है। मेरी सदरी छीन लीजिए और कह दिए दूसरी सदरी हम देंगे, ये काहे हमारी सदरी छीने? मेरा तो सवाल ये बात का है। तो अब वहाँ पर आप मस्जिद का निर्माण नहीं करेंगे जहाँ 5 एकड़ जमीन? नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। लेकिन इकबाल अंसारी जो पक्षकार हैं आपके, उन्होंने स्वीकार कर, वो सब पक्ष क्या करेंगे, वो ठेकेदार है क्या मुसलमान के? मुसलमान का ठेकेदार? मुद्दई तो वही थे ना? नहीं, कुछ नहीं मुद्दई, जो हाशिम अंसारी जो पिता थे, कुछ नहीं थे। आपकी पक्ष से, आपकी पक्ष से देता है, वो मस्जिद का मालिक नहीं है। हाँ, मस्जिद का मालिक नहीं है वो, जो अजान देता है वो मस्जिद का मालिक नहीं है, मस्जिद का मालिक कोई और है। लेकिन मस्जिद के हक में जो आवाज उठाई वो हाशिम अंसारी ने उठाई, जो अयोध्या के रहने वाले हैं, उनके बेटे इकबाल अंसारी, उनकी मौत के बाद में, डेथ के बाद में, उनके इकबाल अंसारी जो बेटे हैं उन्होंने मुद्दे ही रहे, उन्होंने वकालत की उसके लिए बनी मस्जिद आज तक।
बनी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया, सुप्रीम कोर्ट का नाम लो मत लो, उसका स्वागत किया, नाम लो, इकबाल अंसारी ने स्वागत किया उसका, करे, वो दलाल है, वो दलाल है, वो दलाल है। मंदिर उद्घाटन में जा रहे हैं। देखो हम किसान मतलब विरोध में, सरकार के विरोध में तीन मरतबा जेल गए, सत्याग्रही हैं, एक यही के पिताजी हैं, सब हम न्याय चाहते हैं, मेरी गर्दन उड़ जाए कोई फर्क नहीं है, लेकिन न्याय होना चाहिए, मेरी न्याय होना चाहिए। 22 तारीख को मंदिर उद्घाटन में इकबाल अंसारी जा रहे हैं, करो, इकबाल अंसारी जा रहे हैं, इकबाल अंसारी दलाल हैं, आप उनको रोकेंगे? हम क्या रोकेंगे, अल्लाह रोकेगा उनको, अल्लाह रोकेगा, निस्तनाबूद हो जाएंगे, नस्ल खत्म हो जाएंगे। लेकिन वो कहते हैं शांति है, अमन है, जिस दिन से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया। कुछ नहीं, सुप्रीम कोर्ट का फैसला तुम खुद दिलाए हो। हाँ, सरकार का दबाव बहुत बड़ा दबाव होता है, हाँ, ये ना सोचिएगा। लेकिन सरकार कह रही है अयोध्या तो केवल झांकी है, नहीं नहीं, वो कह रही है भगवान दूसरी चीज है, सरकार दूसरी चीज है। भाजपा कह रही है अयोध्या झांकी है, मथुरा काशी बाकी है, तो करे अपना, विनाश होगा, विनाश होगा भारत का, नोट करिएगा दिमाग में, विनाश होगा, मथुरा काशी बाकी है। मथुरा किसी मंदिर को छू के देख लें, मस्जिद को छू के देख लें। हाँ, इतिहास ये कहता है कि जब बाबर आया था, बाबर ने यहाँ पर बर्बरता के साथ में जो मंदिरों को तोड़ा, उसके बाद में मस्जिद बनाई, तो आप बाबर के हितैषी हैं? देखिए वो पूर्व बाबर को मानने वाले हैं जी, मानते हैं बाबर, क्यों नहीं मानेंगे? बाबर कौन है आपके? बाबर हमारे देश के राजा थे, बादशाह थे। कहाँ से आए थे वो? कहाँ से आए थे? बाहर से आए थे। आप बाहर से आए, आप भी? हम तो हिंदुस्तानी हैं। हिंदुस्तानी है ना? जी। आपका डीएनए क्या है? है? आपका डीएनए क्या कहता है? क्या डीएनए का? आप आज से चार पीढ़ी, पांच पीढ़ी पहले क्या थे? मुसलमान थे, और क्या? हाँ। और क्या, हिंदू थे। लेकिन मुस्लिम तो केवल 1400 साल पहले आया, ये कैसे आप जान गए? आप ही का इतिहास कह रहे हैं? नहीं, मेरा नहीं, इस्लाम का जो इतिहास है वो 1400 वर्ष पुराना। देखिए इतिहास के बारे में मत जाइए आप, जो आपका काम वो करिए, हम आपसे नाराज हैं, आपका हम सरकार में आप हैं, आपका हम कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन हमें आप दुआ बद्दुआ के लिए नहीं रोक पाएंगे। आज हम यही पूछने आए हैं, क्योंकि देखिए आज हम यही पूछने आए हैं, क्योंकि ये पूरा अयोध्या जिला है, अयोध्या जिले में ही फैजाबाद आता है, तो अयोध्या में जिस हिसाब से खुशियाँ मन रही हैं, क्या फैजाबाद में भी मंदिर निर्माण की खुशियाँ मनाई जा रही है? देखो किसी के दिल मतलब आप नाराज किए, वो अंदर से खुश नहीं है, अंदर से खुश नहीं है, या मान के चलिए कि हम नाराज हैं। हाँ, हम नाराज हैं, अब तक नाराज रहेंगे, अब जब तक ये सरकार कोई वो बासाइयत थोड़ी ना, इलेक्शन आएगा, अगर मान लीजिए थोड़ी देर बेमानी नहीं हुई, इंसाफ होगा थोड़ी देर के लिए, दूसरी सरकार बनेगी, उसका विचार दूसरा धारा होगा, थोड़ी ना विचारधारा होगा कि मंदिर पर हम वोट लें। हाँ, ये तो नहीं वो होगा ना, अलग अलग विचार है आदमी का, हर आदमी नहीं चाहता कि ये काम गलत हो, न्याय से गलत हो। अब मानते हैं कि कभी समय आएगा तो इसको हम फिर से वही, हाँ हाँ हाँ, वही काम क्या वो करेगा, कुदरत करेगा, हम आप नहीं कुछ कर पाएंगे, देखते रहिएगा, आया है समय, मंदिर मस्जिद टूटी मंदिर बन गई, और मंदिर टूटेगी मस्जिद बन जाएगी, बस यही खेला होता रहेगा। उस समय का इंतजार है आपको? बिल्कुल इंतजार है, इसके लिए दुआ है, अल्लाह से दुआ करें। हाँ, अल्लाह से दुआ करें। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए।